क्या खाओगे? डबल चबल। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और जय श्री राम। आज का जो दिन है वो है 1 दिसंबर और मैं चाहता हूँ कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँ। और इतने दिन ब्लॉग नहीं आ रहे थे उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आज सर्दी दिखाता हूँ आपको, ये देखो इतनी धवर। वैसे मैं कभी इतना जल्दी उठता नहीं हूँ लेकिन आज उठ गया और अभी घर पर जा रहा हूँ। पापा ने कहा भेड़ों को जो है चारा डालना है तो लेट्स गो। गाइस इसके अंदर हमने भरवा दिया है ये वाला चारा और जब ये बुक हो गया, ये जगह पूरी बुक हो गई तो फिर मूंगफली वाला चारा पापा ने यहाँ बाहर ही इसकी एंट्री करवा दी। एंट्री अच्छी है लेकिन ये वाला तार कौन सा हटा दिया? लाइट वाइट नहीं, लाइट वाला तो वो वाला है। और यहाँ पे ये देखो कोट पहन लेते हैं भैया, सर्दी है बहुत। अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं था इतनी देर, मतलब अभी जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है। अभी तो पहन लेते हैं, कौन सा हमें हीरो बनना है। मोनू भाई आप भी उठ जाते हो क्या सुबह सुबह इतना जल्दी? वैसे आपने सर्दी का अच्छा जाप्ता कर रखा है। गाइस उनको खाना खिलाना जरूरी है, हमारा खाना खाने के लिए। ए भाई गला तोल गया। सही है भाई, कुत्ता ने खाया बस रहने दो। और आइए देखिए हम आपको दिखाते हैं हमारा भेड़ बकरियों का हम सर्दियों में कैसे जात कर रहे हैं। ये क्या है भाई? ये क्या है अरियन भाई? ये क्या है? ये मूंगफली का चारा है। अब हम आपको समझा देंगे शाम को। और ये हिंदी हमने हमारी महिला मित्र से सीखी है। ये देखिए पलाजी भी आ गए हैं, पलाजी भी। बस इतना क्या दिखा रहे हो? ये जो है इसके अंदर हम रात को सोते हैं रात को। हाँ कभी कभी किसी को नींद आ जाए, इधर के कैमरा क्या करें, कभी कभी नींद आती है तो सो जाते हैं, नींद खुलती है तो उठ जाते हैं। बस उनके लिए ये नहीं है ना अपनी तरह ऐसे एकदम से उठ के नींद नहीं आ रही तो इंस्टाग्राम चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, सब नहीं पता वहाँ पे। और ये कौन सा तार खोल दिया मुझे आपको पता? अच्छा ये वो वाला, ये घर अंदर लाइट वाला। अभी आज अंकुश जी वापस जोड़ देंगे। नहीं ये तो प्रहलाद जी नहीं थे, हमें लगा प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी क्या लग रहा है देख के? मैं आया हूँ आज। बात कुछ ऐसी है कि मैं एक साइंटिस्ट की बात बड़ी गौर से सुनता हूँ जो कि ये कहता है कि हमें डेली नहीं नहाना चाहिए। और वो सुनता तभी जब सर्दी ज्यादा होती है। तो भाई अभी चलते हैं कोचिंग। मोनू भाई तो आज जा रहे नहीं है, वो कह रहे हैं कोई काम हो गया। लेकिन हर्षित भाई हमारे साथ जाने वाले हैं, वो तो अब डेली हो गए, डेली कोचिंग जाते हैं वो। भाई अभी थोड़ा सा टाइम बचा था तो बड़े पापा घर आ गए। और वैसे आवड़ भाई नहीं है, जब तक आवड़ भाई नहीं होते तो मेरे को थोड़ा अप डाउन लगता रहता है। तो भाई हमारे पास टिकट थी तो हम थोड़े जल्दी आ गए। और अभी हमारे भाई समोसे रेडी कर रहे हैं। सर्दियों में समोसे एकदम बेस्ट चीज़ है भाई, सुबह सुबह थोड़ा खा लो। घर से मैं नाश्ता करके नहीं आता भाई, सुबह सुबह उतना जल्दी भूख नहीं लगती लेकिन यहाँ आते आते भूख लग जाती है तो खा लेते हैं पहले और फिर चलते हैं जल्दी से कोचिंग। अभी आ गए भाई क्लास में तो अभी सर नहीं आए। ये अच्छे भाई भाई अभी जो है कोचिंग में लगभग 12:30 बजे तक क्लास लेके अभी हम आ गए बाहर। और ये रहे हर्षित भाई। आज हर्षित भाई ने भी पूरे टाइम हमारे साथ क्लास ली, मोनू भाई तो आज नहीं आए, वो वाला सीन करना पड़ेगा ऐसे। और अभी जो है हम आए एक कॉस्मेटिक की दुकान पे, एक मामाअर्थ का फेस वॉश लेना था। और ये देखो ये भाई तो जो है रील्स देख रहे हैं। भाई आज हम पानीपुरी खाने के लिए आए थे लेकिन हमारे पानीपुरी वाले भैया ने टाइम पे ना आके औकात दिखा दी। और अब कहाँ से खाएं भाई, उन मोटे वाले भाई से खाएं? तो भाई अभी जो है हमने दूसरे
पानी पूरी वाले भैया से पानी पूरी खाई, अब वो भैया ही बोलेंगे कि डेली कस्टमर ने दूसरे पानी पूरी वाले से खा के अपनी। तो छोड़ो, मैं आपको दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन। ये देखो भाई, यहाँ चल रहा है अभी काम, और ये पूरा टूट चुका था। यहाँ पे जो है पहले से गेट जो है वहाँ पे हुआ करता था, लेकिन और चल रहा है। और जैसा बनने वाला था वहाँ ये पोस्टर लगाया था, लेकिन किसी ने फाड़ दिया। अरे भाई, जब तक अपनी ट्रेन नहीं आती है तब तक स्पीकर वाली ट्रेन में बैठ रहा था। हमारा डेली का काम है एक दिन का नहीं। ये जोधपुर वाली एक्सप्रेस आ गई है, जोधपुर से बीकानेर। अभी देखते हैं अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स के दो सीजन देख लिए, तीसरे का 5 एपिसोड देख लिए, 6th एपिसोड देखते हैं। खाली बैठे क्या करने वाले भाई? ये ट्रेन पूरी खाली है। आपने क्या मंगाया था? बिल्लून। पहले ऐसे बताओ, दाल चावल खाओगे? क्या खाओगे? डबल चावल। ये देखते हैं, ले चीज लेकर आऊ। बोलते जाओ उसको लेकर आओ, उस तेली को उठा। वैसे देखो ना तो ये वाला स्पेस खाली हो तभी अच्छा लगता है यहाँ से, बट ये तो थोड़ा ही दिनों का है, लगभग 1-1.5 महीने के लिए। और अभी इनको पानी वानी भी डालते हैं, सबसे पहले खाना खाएंगे भाई। अभी जो है खाना वाना भी खा लिया है, और अभी जो है मतलब खाना वाना खाने के बाद, मैं आजकल सुबह थोड़ा सर्दियों में लेट उठता हूँ तो सुबह काम नहीं होता, तो इसलिए अभी आके काम कर रहा हूँ। और अभी जो है आपके भाई ने, ये देखो आप खुद देख लो, आपके भाई ने बर्तन धो दिए, और अभी बारी है घर में झाड़ू निकालने की। तो हाँ भाई, अभी जो है सारा काम कर लिया अपन ने, और अभी जो है हम बनाते हैं अपने हर्षित भाई के लिए ABC ID। आपको पता होगा अगर आप कॉलेज में हो और MGS में हो तो आपको एक ABC ID बनानी पड़ती है फॉर्म बनाने के लिए, और उस ABC ID के लिए आपके लिए जरूरी है एक आधार कार्ड होना, जो कि अपने मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। मतलब नॉर्मल OTP जाता है, कोई भी मोबाइल नंबर जुड़वा सकते हो। तो हर्षित भाई के लिए वो बनाते हैं, और एक यदि आप ई मित्र वाले से बनाओगे तो वो 50 रुपये नॉर्मली चार्ज करता है, ठीक है। बट मैं तो कहता हूँ आप ई मित्र वाले से बनाओ ना, आप घर पे बना लो, और आपसे नहीं बनती नॉर्मली, वो PC में इजीली बन जाती है। तो आपका भाई बेटा यार अपने सब्सक्राइबर के लिए इतना तो कर ही दूंगा, मैं बना के आपको दे दूंगा, तो कोई बात नहीं। आप मेरे इस वाले जो वीडियो है नीचे मैं Instagram ID मेंशन कर दूंगा, उस पर जाकर मेरे को DM कर दूंगा, मैं फ्री में बना दूंगा। आप अपने यार सब्सक्राइबर से करते पूरी ठीक है गाइस। तो अभी बनाते हैं अक्षित भाई की ID, और अभी मैं आपको एक कैरेक्टर दिखाता हूँ, यदि आप उसको पहचानते हो तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता देना। मतलब थोड़ी धुंधली दिखेगी फोटो, अभी दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। या भाई इस कैरेक्टर को कौन कौन पहचानता है कमेंट में बताओ, मार्वल वाले जल्दी पहचान जाएंगे, बट फिर भी इसको कौन पहचानता है कमेंट में जरूर बताना। अभी हम बनाते हैं ABC ID, आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हॉटस्पॉट से मतलब वाईफाई कनेक्ट करनी है अपने PC में, और बाद में आपको ABC ID डिजी लॉकर में गूगल कोई भी क्रोम पे जाके आप उस डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाके बना सकते हो। पूरी जानकारी चाहिए तो भाई हमारे भवानी शंकर भाई है, जिनका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उन्होंने पूरी तरीके से समझा रखा है कैसे बनाते हैं पूरी ABC ID पर्सनल इसकी मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। तो उस मुझसे बेटर वो आपको बता सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी देखो ABC ID कैसे बनाते हैं। अभी बातें बहुत हो गई, हर्षित भाई के लिए ABC ID बनाते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बड़े पापा के घर पे, आज जो है बड़ी मम्मी आ रही है, इतने देर देश में गए थे मतलब अपनी प्यार, तो उनको लेने जा रहे हैं स्टेशन पे। ये हमारी प्यारी चंदा, चलो भाई पापा भी आ गए शाम को, ये हमारी ड्यूटी लगी है मिडनाइट ड्यूटी शिफ्ट आज। वो वाली लाइट गाइस कल रात को जो पिकअप आई थी तो तार हटा दिया था, अभी वो तार लगवाना है। अभी जो है शाम को शादी थी, मैं आपको सुबह व्लॉग में बता रहा था, तो अभी जो है वहाँ पे जाने वाला है, और आप जैसा ही देख सकते हो ये देखिए गोरू भाई, थोड़ा सा पानी रह गया। अरे भैंस भाई पानी डालो। और हमें मिले हैं काड़ू भाई, ये लाल आंखें हो रही है भाई आपकी, लाल बनेरी। कटिंग मत करवाइए, कहाँ से करवाई भाई? चूरू से। वाह 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 वाह। आइए गाइस हम आपको हमारे गांव की पुरानी स्कूल दिखाते हैं, ये देखो
यहाँ पे बोर्ड हुआ करता था, यहाँ पे हमारे पृथ्वी भांजे पढ़े सॉरी भतीजे पढ़ाई किया करते थे, यहाँ पे पढ़ते थे। और मतलब वहाँ पे जो है पृथ्वी भतीजे को मुर्गा बनाया जाता था, और सर जो है यहाँ से आगे मतलब उस तरफ मुंह कर देते थे, वैसे मुर्गा बनाते थे। अब पीछे से डंडा मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो बनाइए आप दोनों। हाँ तुम मुर्गा बनना, नहीं वीडियो बनाइए तुम मुर्गा बनना, ऐसे ऐसे डंडा ठीक है, मुर्गा यहाँ पे बना देते फिर ऐसे आगे ऐसे मार देते इसको। और ये देखिए पत्थर अभी खिल चुके हैं, इन पत्थर से उठे, इन पत्थर से हमला हुआ था टीचर पे शायद। और ये इधर ये खिड़कियां हुआ करते थे, मतलब जैसे भी आपको अपने घर की याद आ रही है। ये रमेश भाई का घर है, और अभी हम टॉमी को बुला के दिखा सकते हैं। माटी का दोस्त, कैमरामैन जल्दी फोकस करें, फोकस होने के लिए गोरा होना पड़ता है, जो कि हम नहीं है। और ये रूम आप आपको दिखाएंगे, आ जाइए। और ये अभी नेताजी दिखा रहे हैं पुस्तकालय, दिखाओ ये देखिए, खोलिए खोलिए खोलिए, डरिए मत, ऊपर ध्यान रखिए। अरे अंदर जाइए, सामान आ गया भाई। अभी ये पुस्तकालय हुआ करता था, किताब नहीं हुआ करती थी इसमें। वो देखो इधर से मेरी साइड आओ, दिखाओ वो देखो समझाड़ा गाइस। ओ भाई बाहर आ जाइए अभी, ये अलग ही किताब में कुछ अलग ही लिख देगी। और ये देखो भाई सामान आ गया, भाई हम रमेश भाई के भरोसे अभी तक बैठे हैं। और भाई ये बंदा काला काला कहकर ये अच्छी बात नहीं है भाई, रमेश भाई चलो भाई चलते हैं जल्दी, अब रियल में भाई भूख लगने लग गई यार। चलो बरसाराम भाई चलो 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 चलो, अरे मोनिया ड्राइवर को ड्राइवर चेंज करो। क्या कह रहे हो गुरु भाई, ऊपर जाती है इसके ऊपर आ गाड़ी उड़ जी देगी, हमने उम्मीद लगाई थी वो गाड़ी ऊपर लेके आएंगे, नहीं लेके आए। लंबी कहानी है। तो गाइस आपके भाई ने भरपेट खाना खाया, 40 रोटी खाई, और पृथ्वी भाई ने भी 20 रोटी खाई, मोनू भाई ने 25 रोटी खाई, और गिरवर भाई ने 1 रोटी खाई। तो इसी बात पे अब हम चलते हैं घर पे हमारे। नहीं बान भाई, बान भी भराया हमने, 500 रुपए बान में एक जने खाना चलता है यार। नंबर प्लेट नहीं है इसका, मतलब गाड़ी यही है भाई। लोग वैसे कहते हैं नंबर देखना यही है अपनी वाली, हम देखते हैं नंबर प्लेट नहीं है ना, यही अपनी वाली नंबर देखते देखते। गाइस सर्दी बहुत है,